स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, अ सिलिंड्रिकल स्टील प्लग इज इंसर्टेड इन टू अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर इतना। पहले एक डायग्राम बना देते हैं। मान लो कि एक सिलिंड्रिकल स्टील प्लग है, ठीक है, और इसको जो है घुसाना है, एक प्लेट इस तरह से है और इसमें एक होल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द ब्रास, ब्रास से बना हुआ ही 2.6 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर, ठीक है। तो इसमें इसको घुसाना है, ठीक है। व्हेन द प्लग एंड द प्लेट्स आर एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनिशियली जो टेम्परेचर यहाँ पे थीटा है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, द डायमीटर ऑफ द प्लग इज 0.101 सेंटीमीटर स्मॉलर। तो ये जो प्लग तुम देख रहे हो, इसका डायमीटर जो कि स्टील से बना हुआ है, इसका डायमीटर 2.6 से कम है, कितना, 0.01 सेंटीमीटर कम है। मतलब कि इसका डायमीटर है 2.6 - 0.01, 2.59 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो जब इसका डायमीटर कम है और जिस होल में ले जाना है उसका डायमीटर जो है ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये फिट नहीं होगा, लूज़ हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फिट हो तो इसको ठंडा करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ताकि कंट्रैक्शन हो और उसके चलते ये प्रॉपरली फिट हो जाए, ठीक। तो बोल रहा है कि द टेम्परेचर एट विच द प्लग विल जस्ट फिट, तो बताओ कितना टेम्परेचर पे ये प्लग इसमें जस्ट फिट हो जाएगा। तो जितना टेम्परेचर तुम चेंज करोगे, मान लो डेल्टा थीटा टेम्परेचर तुम यहाँ चेंज कर रहे हो, तो उसके चलते जो दोनों का लेंथ है, ये डायमीटर है, वो चेंज हो जाएगा। तो फाइनल डायमीटर जो भी होगा स्टील का जो फाइनल डायमीटर होगा, अगर वो ब्रास के, जो मतलब ब्रास और स्टील से बना हुआ है ना दोनों, तो ये ब्रास से बना हुआ है और ये स्टील से बना हुआ है, तो अगर दोनों का फाइनल डायमीटर टेम्परेचर को चेंज करने के बाद अगर इक्वल हो जाता है तो एक दूसरे में वो फिट हो जाएगा। इनिशियली जो फॉर्मूला जो फाइनल का लिखेंगे वो हम लोग क्या लिखते हैं, डी इक्वल्स टू डी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला होता है मेरा, ठीक। तो हम इसी का यूज़ करने वाले। तो फाइनल डायमीटर ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, इनिशियल डायमीटर ऑफ स्टील 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा थीटा, और ब्रास के लिए इनिशियल डायमीटर ऑफ ब्रास 1 प्लस अल्फा ऑफ ब्रास डेल्टा थीटा। अब यहाँ पर हम इनिशियल डायमीटर ऑफ स्टील कितना था, 2.59, ओके, और उसका 2.6, तो ये 2.59 यहाँ पे 2.59 और 1 प्लस अल्फा ऑफ स्टील कितना दिया हुआ है, 11 × 10⁻⁶, तो 11 × 10⁻⁶ डेल्टा थीटा नहीं पता है। ब्रास का डायमीटर हो जा रहा था 2.6 इनिशियली, और 1 प्लस इसका जो अल्फा है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 × 10⁻⁶ यहाँ पे दिया हुआ है, तो 19 × 10⁻⁶ यहाँ पे गिवन है इंटू डेल्टा थीटा। चलो ये हो गया, अब इसको सॉल्व करना रह गया है। तो तुम क्या करो कि 2.59 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.59 × 1 + 11 × 2.59 करोगे तो कितना आएगा, 28.49, 28.49 × 10⁻⁶ इक्वल टू 2.6 इंटू प्लस 19 × 2.6 करोगे तो क्या आ जाएगा, 49.4, 49.4 × 10⁻⁶ डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे तुम एक काम करो, डेल्टा थीटा वाले टर्म्स को एक साइड और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड कर दो, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साइड आएगा, तो 28.49 × 10⁻⁶ माइनस हो जाएगा वो 49.4 × 10⁻⁶, और डेल्टा थीटा कॉमन इक्वल टू 2.6 - 2.59। तो देखो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 28.49 - 49.4, तो ये आ गया -20.91 × 10⁻⁶ डेल्टा थीटा इक्वल टू 0.01। अब यहाँ पे हम डेल्टा थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू 0.01 / -20.91 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा 10⁻² और वो 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो +6 / -
20.91, तो ऊपर हो जाएगा 10^4 डिवाइडेड बाई 20.91, तो इसको लिख देंगे डेल्टा थीटा इक्वल्स टू 10000 बाई 20.91। अब इसको डिवाइड करना है, तो 10000 डिवाइडेड बाई 20.91 दिस विल बी 478.2। तो -478.2 यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर आया है, लेकिन हमारे से पूछा था कि व्हाट विल बी दी फाइनल टेम्परेचर एट विच दी प्लग विल जस्ट फिट। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको लिख देंगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर -478.2। तो यहाँ से फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा -478.2 प्लस इनिशियल टेम्परेचर जो कि 20 था, तो -478.2 प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड था वो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस में 458.2 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी दी फाइनल टेम्परेचर एट विच दी प्लग विल जस्ट फिट इन टू दी ब्रास प्लेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।